देखो हमको ना आज कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज के क्वेश्चंस करने हैं, ये समझते हैं क्या है। तो मुझे आप क्वेश्चन का आंसर देना। ये मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है, इस क्लोज कंटेनर में बस दो लिक्विड्स हैं, दोनों ही वॉलेटाइल हैं। एक है लिक्विड ए और दूसरा है लिक्विड बी, बोथ आर वॉलेटाइल। ठीक है, तो सबसे पहले वेपर किस किसके होंगे? ए के या बी के या दोनों के? दोनों के होंगे क्योंकि दोनों वॉलेटाइल है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, दोनों के वेपर होंगे। मान लीजिए एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स इज एन ए इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन लिक्विड। लिक्विड एक्स बी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, एन बी इज नंबर ऑफ एक्स बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एन बी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इन लिक्विड फेज। ओके, जस्ट मैं डाटा के लिए ले रहा हूं। सपोज सपोज एक्स ए इज 0.4, ऐसी मान लो, तो एक्स बी कितना होगा? 0.6। ये तो लिक्विड फेज में बात है, वेपर में भी तो ए और बी है। लेट वाई ए बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज एंड वाई बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, और एन ए डैश नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन वेपर, एन बी डैश नंबर ऑफ मोल्स इन वेपर ऑफ बी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या एक्स ए और वाई ए इक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे? डिफरेंट होंगे। इक्वल क्या क्यों होंगे? देखो अब मैं एक आपको डाटा देता हूं। सपोज सपोज बी इज मोर वॉलेटाइल, सपोज बी इज मोर वॉलेटाइल तो ए लेस वॉलेटाइल होगा। अब ज्यादा वेपर किसके बनेंगे, ए के या बी के? बी के ज्यादा वेपर बनेंगे, तो जो वेपर फेज कॉम्पोजिशन होगा वो बी का ज्यादा होगा या ए का ज्यादा होगा? बी का ज्यादा होगा। तो ये तो मुझे पता है कि वाई बी जो है वो 0.7 से ज्यादा होने, मतलब वाई बी 0.7 से ज्यादा होने वाला है, वाई ए 0.4 से कम होने वाला है। समझ में ही बात, क्योंकि जो लिक्विड में कॉम्पोजिशन है और वेपर में कॉम्पोजिशन है, जो वेपर में कॉम्पोजिशन है दैट विल बी रिचर इन मोर वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट, एंड मोर वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट इज बी, सो वाई बी विल बी मोर देन एक्स बी। समझ में बात है, और वाई बी एक्स बी से ज्यादा होगा तो वाई ए एक्स से कम हो जाएगा, डिफरेंस है मतलब बात ये। समझ में आ गई बात है। तो अब हमको ये पता करना है हाउ इज वाई ए एंड वाई बी रिलेटेड टू एक्स ए एंड एक्स बी, ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। समझ में आ गई बात है, तो बड़ा सिंपल बात है। देखो इसमें हमारी हेल्प करेगा डाल्टन्स लॉ और रॉल्ट्स लॉ को रिलेट करेंगे हम। सपोज पी ए इज वेपर प्रेशर ऑफ ए, पी वी इज वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सोल्यूशन। ओके, और पी ए नॉट पी वी नॉट क्या है? प्योर ए और प्योर बी का वेपर प्रेशर है। ओके, अब देखो रॉल्ट्स लॉ क्या बोलता है, रॉल्ट्स लॉ क्या कहता है? पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, यही है ना रॉल्ट्स लॉ। इसको देखो समझो क्या है रॉल्ट्स लॉ, पता क्या करता है? रॉल्ट्स लॉ रिलेट्स वेपर प्रेशर ऑफ ए विद मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। वेपर की एक चीज को उसने लिक्विड की एक चीज के साथ रिलेट कर दिया रॉल्ट्स लॉ ने। ये प्रेशर तो वेपर्स का है, ये मोल फ्रैक्शन लिक्विड की है। समझ में आती है बात। फिर डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, इस सिर्फ इस रीजन पे फोकस करो, फोकस ओनली ऑन दिस रीजन, जो वेपर वाला रीजन है इसमें फोकस करो, ठीक है ना? तो इसमें टोटल प्रेशर कितना है बताओ? अच्छा टोटल प्रेशर को पीटी बोल देता हूँ, इंटू वाई ए, यही होता है ना। डाल्टन लॉ क्या होता है? टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, ये होता नहीं होता? ये मैं एक बार फिर से बताता हूँ, आई होप आपको डाल्टन लॉ आई थिंक नहीं है क्लियर। देखो प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू, इसको मैं वॉल्यूम बोल देता हूँ, इस रीजन को, इंटू वॉल्यूम ऑफ ए। अब हम सिर्फ वेपर की बात कर रहे हैं, प्रेशर ऑफ ए इंटू वेपर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए वेपर में लोगे ना, एन ए डैश इंटू आर इंटू टी, होगा नहीं होगा? ये पी विजिबल टू एनआरटी लगाया आइडियल गैस इक्वेशन वेपर पे, कुछ किया नहीं मैंने, और ऐसे ही पी
PB into volume of B is equal to number of moles of B in a vapor NB dash into R into T. ये होगा नहीं होगा? So PA क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए इंटू आर इंटू टी, ये पी ए हो जाएगा। पी बी क्या हो जाएगा? एन बी डैश, ये डैश आएगा, आर टी अपॉन वी बी, हो गया ना पी बी, ये है क्या? नहीं। अब पी ए प्लस पी बी क्या है? टोटल प्रेशर है ना, पी ए प्लस पी बी टोटल प्रेशर किसके इक्वल है? इन दोनों को जोड़ो, जोड़ो इन दोनों को, जोड़ के क्या आ जाएगा? एन ए डैश प्लस एन बी डैश, एक सेकेंड। हाँ अब क्या है ना, वी और वी बी तो इक्वल है भाई, वॉल्यूम तो सेम ही है ना दोनों का, वी ए और वी बी इक्वल है, दोनों को वी लिख लेता हूँ, अपॉन वी इंटू आर टी। आ गया बात है? अब देखो इन दोनों को, देखो दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, ठीक है? तो पी ए अपॉन पी टी क्या आ गया? प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, क्या आ जाएगा? एन ए डैश अपॉन एन ए डैश प्लस एन बी डैश, बाकी तो कट ही जाएंगे। यस सर। एन ए डैश अपॉन एन ए डैश प्लस एन बी डैश, ये तो वाई ए डैश ही, तो वाई ए ही है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज ही तो है, तो प्रेशर ऑफ ए क्या आ जाएगा? वाई ए डैश इंटू पी टी। ये तो डाल्टन लॉ है ना, ये तो 11th क्लास में करा है हमने, ये 12th क्लास का बात ही नहीं है, समझ में आई बात है? दिस इज डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ क्या बोलता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर, यही है डाल्टन लॉ। तो हम यहां पे, मैंने सिर्फ डाल्टन लॉ ही लिखा है, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है बात? अब क्या है देखो, इन दोनों को इक्वेट कर दो भाई, पी ए तो सेम ही है ना, इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो पी ए नॉट इंटू एक्स ए इज इक्वल टू पी टी इंटू वाई ए, क्लियर है ना बात है? ये आ गया। सिमिलरली अगर मैं ए के लिए लिख सकता हूँ, बी के लिए भी लिख सकता हूँ भाई, मैं रॉल्ट लॉ बी के लिए लगाओ, बी के लिए लगाओ रॉल्ट लॉ, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, पी बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी टी, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? इक्वेट कर दो, तो पी बी नॉट इंटू एक्स बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी टी, आ गया ना? तो वाई ए क्या आ गया? अब वाई ए क्या आ गया? पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी टी, वाई बी क्या आ गया? पी बी नॉट एक्स बी अपॉन पी टी, आ गया। मुझे यही तो करना था, मुझे वाई ए और एक्स ए को रिलेट करना था, मैंने कर दिया है ना? अब क्या है, पी टी पी टी कर सकता है, मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ मैं, वाई ए अपॉन वाई बी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी बी नॉट एक्स बी, ये आ गया। कितना सिंपल सा रिलेशन है, ठीक है ना? इससे हम वाई और वाई बी फाइंड कर सकते हैं, एक्स और एक्स बी अगर पता तो वाई ए वाई बी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वाई ए प्लस वाई बी वन होता है, मुझे पता है। ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल आ गए तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो इन दो फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है, वो देखते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है ना? चलो क्वेश्चन देखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन आर 200 mm एंड 415 mm एजी, पहले ये बताओ ये है क्या? इसको मैं ए बोल रहा हूं, इसको बी बोल रहा हूं, तो ये क्या है? पी ए नॉट और पी बी नॉट है ना, दिस इज पी ए नॉट, दिस इज पी नॉट, चलो पी ए नॉट पी बी नॉट गिवन है। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ CH2 Cl2 एट 298 केल्विन। तो आपने क्या किया है, सॉल्यूशन बना लिया जिसमें 25.5 ग्राम ये लिया है और 40 ग्राम CH2Cl2 लिया, और इसके पेपर बनेंगे, फिर उस पेपर का प्रेशर पूछा है। फर्स्ट पार्ट तो ये है, तो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर ले, फर्स्ट पार्ट तो बहुत सिंपल सा है, फर्स्ट पार्ट में कैसे लिखेंगे? पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, दोनों को जोड़ दो, यही पूछा है। पी ए नॉट पी बी नॉट गिवन है, एक्स ए एक्स बी हम फाइंड कर सकते हैं,
है ना। तो पहले एक्स और एक्स भी फाइंड करें हम लोग। तो मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म एम ए कितना आएगा, 119.5। फिर डाइक्लोरोमीथेन का मोलर मास कितना आएगा, 85। गिवन मास है इसके, एक का है 25.5, दूसरे का 40। लेट एन ए बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एन बी बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। तो दोनों के मोल निकल जाएंगे अब। चलो मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट निकाला हुआ, चलो ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकाल जाएगा ना। एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास इतना, मोलर मास इतना आ गया ना भाई। अब एक्स बी निकालने के लिए 1 - x से कर दो। एक्स बी आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। फिर एन बी को करना पड़ेगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये करना पड़ेगा ना। पर ये करोगे तो लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन। अब एक्स से निकाल चुके तो 1 - x से कर दो, एक्स भी आ जाएगा। ठीक है, एक्स और एक्स भी आ गया, अब क्या बचा, अब तो हो ही गया। टोटल प्रेशर आ जाएगा पी ए नॉट इंटू एक्स है, दिस इज पी ए, पी बी नॉट इंटू एक्स भी है, पी बी है, आ गया। चलो एक फर्स्ट पार्ट तो बहुत सिंपल था, फर्स्ट पार्ट तो आ गया। अब अगला पार्ट देखो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कॉम्पोनेंट इन वेपर फेज। वेपर फेज में इसके वेपर बन गए ना दोनों के, इस वेपर में दोनों के वेपर होंगे, क्लोरोफॉर्म के भी होंगे और डाइक्लोरो मीथेन के भी होंगे, उनकी मोल फ्रैक्शन पूछी है, मतलब वाई ए और वाई बी पूछा गया है आपसे। तो कैसे करेंगे देखो, दो तरीके हैं इसको करने के। मोल फ्रैक्शन इन ये हमने करा था ना, देखो देखो ये ना फॉर्मूला मत याद रखो, मैं एग्जाम में बैठा हूं पता मैं क्या करता हूं, मैं पीए याद रखता हूं। पीए क्या है, डाल्टन रॉल्ट लॉ बोलता है, पीए इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए। डाल्टन लॉ क्या बोलता है, पी इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टी। ये तो मुझे याद ही है दोनों, बस दोनों को इक्वेट कर दिया। तो वाई ए इंटू पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। मैं तो ये पूरा करता हूँ एग्जाम हॉल में बैठ के भी, मैं ये नहीं याद करके जाता वाई ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी टी, मैं ये थोड़ी याद करके जाता हूँ, इतना मेरी मेमोरी नहीं है, मुझे ये दोनों याद है बस मैं इक्वेट कर देता हूँ, समझ में आई बात है। तो वाई ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी, अब मुझे इनमें से सारा कुछ पता है तो वाई ए निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो पी ए नॉट पता था, एक्स ए पता था, पी टी मैंने सॉल्व कर लिया तो वाई ए आ गया, ऐसे ही वाई भी आ जाएगा, ठीक है बात है, आ गया वाई वन करके, दोनों का आ गया मोल फ्रैक्शन, सिंपल सा तो है। ठीक है ना, न्यूमेरिकल वेरिएबल चेक में भी ऐसे होता है, समझते नहीं है। हाँ अगला देखते हैं, देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 450 एंड 700। ये क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर पी ए नॉट पी ए एंड नॉट एंड पी पी बी नॉट दिया हुआ है। फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mHg। ये क्या दिया हुआ है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है और क्या बोल रहा है, फाइंड आउट कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। ये समझो क्या पूछ रहा है, कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर मतलब पता क्या पूछ रहा है, एक्स और एक्स भी पूछ रहा है, कॉम्पोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन, समझ में आई बात है, लिक्विड की कॉम्पोजिशन पूछ रहा है, एक्स से एक्स भी पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड कॉम्पोजिशन ऑफ मतलब वेपर की कॉम्पोजिशन पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है वाई ए, और समझ में आ गया, एक्स से एक्स भी वाई ए वाई भी पूछा, गिवन क्या है, पी ए नॉट पी बी नॉट और पी टी गिवन है, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, अब पहले तो ये सिंबल का यूजुअल मीनिंग है तो हम देखते हैं। तो पी क्या होगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। टोटल प्रेशर कितना है, 600। पी ए नॉट कितना है, गिवन है ये, एक्स से पता नहीं है, पी बी नॉट गिवन है, एक्स बी को 1 - x से लिख लो, ठीक है ना। तो अब इसमें एक्स से आ गया, एक्स से आ गया ना 0.4, एक्स भी आ गया 0.6, चलो एक्स से एक्स भी आ गया ना हमारे पास, अब तो हम कर ही सकते हैं। वाई ये क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी, सारा कुछ पता है, आ गया वाई ये, है कि नहीं, वाई भी आ जाएगा फिर 0.7, सिंपल सा ना बिल्कुल। मतलब आपके दिमाग में पता है क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में ये होना चाहिए, अगर मुझे दो कंपोनेंट्स का ऐसे मिक्सचर दिया है, दोनों वॉलेटाइल हैं, उनका वेपर प्रेशर टोटल प्रेशर मैं फाइंड कर सकता हूं अगर मुझे इवन एक की कॉम्पोजिशन, एक का भी पता है मोल फ्रैक्शन, समझ में ही बात है, टोटल प्रेशर को मैं पता कर सकता हूं अगर मुझे किसी एक का भी लिक्विड फेज में कॉम्पोजिशन
कॉम्पोजिशन पता है, क्योंकि अगर मुझे किसी एक का लिक्विड फेज में कॉम्पोजिशन है दूसरे का पता ही है, क्योंकि दोनों का सम तो 1 होता है। तो अब यहां देखो न, मुझे टोटल प्रेशर तो गिवन ही था, पीटी गिवन है मुझे, तो पूछा है उसने लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन, तो मैं निकाल सकता हूं। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन एंड प्रेशर आर रिलेटेड, इफ वन इज गिवन अदर कैन बी फाउंड। समझ में आ रही है बात है? तो टोटल प्रेशर गिवन था, मैंने ये फाइंड कर दिया, ठीक है ना। चलो अगला देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉलुइन एट 300 केल्विन आर 50.7 mmHg एंड 32.06 mm रिस्पेक्टिवली, क्या है ये पीए नॉट एंड, ये बात समझ में आती है ना, प्योर बेंजीन एंड टॉलुइन क्या है, पीए नॉट और पीबी नॉट गिवन है ये। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, क्या पूछ रहा है, वाई ए या वाई बी कुछ कह लो, है ना, वेपर फेज में पूछ रहा है। इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्स विद 100 ग्राम ऑफ टॉलुइन, तो आपको क्या दिया, एक्स ए और एक्स बी दे दिया उसने, एक्स ए एक्स बी दिया नहीं, आपको करना पड़ेगा फाइंड, मतलब लिक्विड कॉम्पोजिशन दे दी ना उसने, लिक्विड कॉम्पोजिशन देके वेपर पूछ ली, तो हम कर सकते हैं, तो इतने तो करते आ रहे हैं सवाल, तो सारा सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। देखो आप, पहले तो बेंजीन का मोलर मास कितना है, 78, टॉलुइन का 92, गिवन मास ऑफ बेंजीन 80, गिवन मास ऑफ टॉलुइन 100, लेट एन ए बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन एंड एन बी बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो एन ए क्या है, डब्ल्यू अपॉन एम ए, हाँ क्या ना, ये कर लोगे आप एक्स से फाइंड, ऐसे ही एक्स भी फाइंड कर लोगे। अब क्या बचा, पी ए नॉट पी बी नॉट तो कभी नहीं था, तो टोटल प्रेशर कितना आ गया। अच्छा पता है क्या, मैं बताऊँ ये तरीका भी ठीक है, चलो पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, टोटल प्रेशर आ गया पी ए नॉट एक्स ए पी बी नॉट एक्स बी आ गया टोटल प्रेशर, वेपर फेज में बेंजीन का पूछा था तो सारा कुछ पता है, वाई ए क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए अपॉन टोटल प्रेशर, पी ए नॉट पता है मुझे 50.71, एक्स ए मैंने फाइंड कर लिया ऊपर 0.486, और पी आ जाएगा, तो आ गया ना। अब मैं ना ये स्टेप को थोड़ा, अगर मैं कंपटीशन में बैठा होता ना, तो मैं टोटल प्रेशर फाइंड नहीं करता था, पहले उसने ये बताओ टोटल प्रेशर पूछा है क्वेश्चन में, टोटल प्रेशर पूछा है ये बताओ, पहले नहीं पूछा, उसने सिर्फ वाई ए पूछा है, टोटल प्रेशर तो पूछा ही नहीं है, मैं एक स्टेप स्किप कर सकता हूँ, ठीक है, पता है कैसे कर सकता हूँ, करके दिखाता है, वाई ए ये रहा मुझे, वाई ए क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी टी ये होता है ना, और वाई बी क्या होता है, पी बी नॉट एक्स बी बाय पी टी, वाई ए अपॉन वाई बी क्या है, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी, तो अब मैं ये, मुझे पी नॉट ए पी बी नॉट तो गिवन है, एक्स ए एक्स बी मैं फाइंड कर चुका हूं, तो मैं सीधा वाई ए और वाई बी निकाल सकता हूँ ना, कुछ तो आएगा ना, कितना है पी एन पी नॉट है, कितना है देखो, कितना पी नॉट है, 50.71 है ना, 50.71 इंटू एक्स, ये एक्स ए है ना, पॉइंट 486 डिवाइड बाय वाई भी कितना है, सॉरी पी नॉट भी कितना है, 32.06, और एक्स बी 0.514, सीधा लिख दिया मैंने, मतलब मैंने यहीं तक, बस यहीं तक फाइंड किया था, इसके बाद मैंने ये स्टेप कर दिया, समझ में आई बात, एक्स बी तो मैं यहीं तक फाइंड कर चुका हूं ना, इसके बाद ये कर दिया, अब ये कुछ तो वैल्यू आएगी ना, कितनी आई जरा सॉल्व करके बताओ। क्या तो देखो अब ना वाई ए अपॉन वाई बी निकाल लिया मैंने, अब मुझे अगर वाई ए निकालना है पता क्या करना है, वाई ए 24.6 प्लस 16.5 डिवाइड बाय 16.5, सॉरी सॉरी उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, 16.4 है, उल्टा कर दिया मैंने, बताता हूँ, अगर आपके पास ये आ गया ना वाई ए, वाई ए अपॉन वाई बी, तो वाई ए पता क्या होगा, ऊपर क्या है 24.6, वाई ए भी ऊपर ही है ना, क्योंकि तो 24.6 डिवाइड बाय दोनों का सम, 24.6 प्लस 16.5, ये एक शॉर्टकट होता है, अगर वाई ए प्लस वाई बी 1 हो और आपको उनकी रेशियो पता हो कि
किसी एक की वैल्यू क्या निकालनी है, जैसे अगर वाई भी निकालना होता तो वाई भी क्या होता, 16.5 डिवाइड बाय दोनों का सम। ऐसे कब तब कर सकते हो जब दोनों का सम 1 हो, तो ये डायरेक्ट मुझे वाई ये आ जाएगा, मुझे टोटल डिफरेंशियल निकालने की जरूरत नहीं है।